Good morning, children. So let's start our new video for the chapter 6. And today we will be doing exercise number 21. ठीक है? तो आपको पहले ही बताया मैंने ना कि इसमें जो है हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं. LCM is equals to first number multiplied by second number divided by HCF. अगर हमें LCM पता है, HCF पता है, फर्स्ट नंबर पता है, तो हम लोग सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं. यानी ये 1, 2, 3, 4 फोर एंटिटीज हैं. ठीक है, फोर एंटिटीज हैं. इनमें से अगर हमें कोई एक भी नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये हमारा फोर्थ फैक्ट है अबाउट HCF एंड LCM. ठीक, तो मेनली हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा इस वाले एक्सरसाइज में. ठीक, सो अब आपको मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए. ठीक है, हियर वी हैव गिवन टू नंबर्स. ठीक है, टू नंबर्स 87 एंड 145. हमें दो नंबर दिए हैं, 87 एंड 145. ठीक है, 145 ये दो नंबर हमें गिवन है. ठीक है, वी हैव गिवन टू नंबर्स. ठीक है, 87 एंड 145. अब हमको यहां पर क्या है कि फाइंड करना है LCM और HCF. ठीक है, LCM और HCF. तो वैसे तो हम लोग निकाल ही सकते हैं. LCM निकालने का तरीका भी आपको बता चुका हूँ, HCF निकालने का तरीका बता चुका हूँ. ठीक है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे. ठीक है, बट यहाँ पे कितनी एंटिटीज हैं, 1, 2 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर. अब हमें LCM भी फाइंड करना है, HCF भी फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग पहले मेथड से अपने निकालते थे HCF, उसी तरह से HCF निकाल लेंगे. HCF निकालने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूले में फर्स्ट नंबर रख देंगे, सेकंड नंबर रख देंगे और HCF रख देंगे, तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो HCF निकालने का तरीका आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिवीजन मेथड से. ठीक है, 87 यहाँ रखा, 145 यहाँ रखा. ठीक है, 145 यहाँ, हाउ मेनी टाइम्स, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 187 आएगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 ही टाइम जाएगा, 87. ठीक, ये आ गया 87. अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 - 7 = 8 आएगा. उसके बाद यहाँ 13 - 8 = 5 आएगा. ठीक है, अब 58 आ जाएगा डिवाइजर और 87 बन जाएगा डिविडेंड. ठीक है, 87 बन जाएगी डिविडेंड. फिर से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग. ठीक है, वन टाइम ओनली इट विल गिव अस 58. ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे 17 - 8 विल गिव अस 9. ओके, एंड अगेन दिस वन इज गोइंग टू बी 7 - 5 विल गिव अस 2, 29, ये 58. अगेन अगर आप इसको करोगे तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा. ठीक है, 29 - 58, तो यानी कि इनका HCF हमें क्या मिल गया. ठीक है, इसका HCF हमें क्या मिल गया, देयरफोर HCF इज इक्वल्स टू क्या हो गया, HCF इज इक्वल्स टू हाउ मच, HCF इज इक्वल्स टू 29. ठीक है, 29. अब इसका नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे, आगे करेंगे. अब हमें HCF मिल गया, दोनों नंबर मिल गए, अब फाइंड करना है LCM. ठीक है, सो फॉर्मूले में क्या है हमारा, LCM इज इक्वल्स टू नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 देन डिवाइडेड बाय HCF. ठीक है, ये रहा, गॉट इट. अब फिर से नंबर 1 हमारा क्या है, 87 एंड नंबर 2 क्या है हमारा, 145 और HCF हमने कितना फाइंड किया, HCF वी हैव फाउंड हाउ मच, 29. ठीक है, सो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, LCM. ये हो जाएगा LCM इज इक्वल टू दिस मच. अब ये तो किसी से डिविजिबल है नहीं, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 29 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, सॉरी, यस, ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 29 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, ये किसी से डिविजिबल है, 11 - 11 नहीं. ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहीं रफ में. ठीक है,
145 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, 75 जा 35, 74 जा 28 प्लस 3 31, देन 71 जा 7 और 3 ये हो जाएगा 10, ठीक। देन 85 जा 40, 84 जा 32 प्लस 4 36, 81 जा 8 प्लस 3 11, this is going to be 51621, ये आ गया 12,615, ठीक है। यानी कि हमारा ये इसको ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है, इसको कट कर देंगे, एलसीएम इसको सीखा हो जाएगा हमारा 12,615 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। ओके, अब कहीं डिवाइड करना होगा, मैं कैसे करोगे, 29 डिवाइडेड बाय 12615, 12615, 12615, अब ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। ये हम रफ में करेंगे, आप लोग रफ वर्क में करना, अपनी इसके आगे मत करना, कहीं अलग से करके यहाँ से 4 ये आ जाएगा, 49 जा 36, ठीक है, 49 जा 36, 42 जा 8 प्लस 3 11, ठीक है, ये 6 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और देन यहाँ, ठीक है। अब ये लिया हमने 1, अब इसके बाद इसको करोगे तो क्या आएगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ओनली, इट विल ग्रो अप टू 3 टाइम्स ओनली, 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 2 8 87, ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 माइनस 7 4 एंड 9 माइनस 8 1, ठीक है, नाउ 5, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है, इसको अगर आप करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 435, ठीक है। आप रफ नहीं करना, कहीं रफ नहीं करना है, इरेज नहीं करना है, ठीक है, कट कर देना है बस। हाउ मच इट वाज, 145, हाउ मच इट वाज, 1 सेकेंड, 435, so इस तरह से हमें क्या मिल गया, LCM is equals to, therefore LCM is equals to, LCM is equals to 435 and HCF is equals to, HCF is equals to how much, HCF is equals to 29, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें दो चीजें मिली हैं तो हम उससे पहले एलसीएम, दो नंबर गिवन थे, हमने उनको पहले उनका एचसीएफ निकाल लिया, जब एचसीएफ निकाल लिया तो हमने एलसीएम इज इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ वाले फॉर्मूले में रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 435 एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू 29, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप इसी तरह से आगे की एक्सरसाइज करना, 1 2 3 4 सारे ऐसे ही हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, थैंक यू।